हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में क्लास टेंथ मैथ है जिसमें अध्याय दो है बहुपद पॉलीनोमियल्स प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर हम इसमें तीन देखेंगे। कह रहा है 3x^4 + 6x^3 - 2x² - 10x - 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य दे दिया है। इसके पास चार घात है तो कुल इसके चार शून्य होंगे, दो शून्य दिया है तो हम क्या करेंगे, यक्स माइनस अल्फा और यक्स माइनस बीटा बनाएंगे। पहले तो यक्स माइनस कैणी में 5/3 होगा, फिर अगला इसी तरह से यक्स माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और कैणी में 5/3 हो जाएगा। तो ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माने एक कैंडी से बाहर हो जाएगा 5/3। अब इसी का हमें भाग देना है इसमें, और भाग देने के बाद जो आएगा भागफल उसी का हमें फिर से गुणनखंड करना है। हम चाहें तो तेरे गुणा भी कर सकते हैं, और गुणा अगर करेंगे तो ये बन जाएगा 3x² माइनस हमारा 5 बन जाएगा। अब 3 होगा तो इस 3 का हम क्या करेंगे, 3 से इसमें भाग दे देंगे या तो हम डायरेक्ट इसी का भाग दे देंगे। अगर हम इसका भाग देते हैं, इसको भी भाग दे सकते हैं, तो अगर हम इसका भाग देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा कि x² - 5/3 का भाग देंगे तो यहाँ हमारा बना हुआ है 3x^4 और प्लस है 6x^3 माइनस है 2x^2 -10x है और -5 है। अब इसमें भाग होगा हमारा x² और -5/3 का। पहले पद में पहले का भाग देंगे तो पहला पद हमारा ये रफ है, पहला पद है हमारा 3x^4, इसमें हम x² से जब भाग दे देंगे तो ये बन जाएगा 3x^2 क्योंकि दो घात कट जाएगी। अब यही यहाँ लिखना है 3x^2। अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये बन जाएगा 3x^2 और 2 मिलके 4, फिर इसका इसके साथ कर देंगे तो ध्यान दीजिएगा 3x² में जब हम 5/3 का गुणा करेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -5x² बनेगा, तो -5x² यहाँ लिख देंगे। अब हमारा काम है चिन्ह बदलना, ये कैंसिल होगा, ये और ये दोनों प्लस हो गए तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 5 और सॉरी ये इसके साथ जाएगा क्योंकि इसके पास दो घात है, इसके पास दो घात है तो ये इसके साथ जाएगा, और ये इसको हम 6x³ को लिख लेंगे, और ये 5 और इसमें से घटेगा, दो घट जाएगा तो प्लस बचेगा, 5 में से दो घटाएंगे 3x² बच जाएगा। फिर हमारा काम है पहले पद में पहले से भाग देना, तो हमारा पहला पद क्या है 6x³ है और उसमें हम x² से भाग दे देंगे तो 6x बचेगा, यही यहाँ लिखेंगे 6x का गुणा करेंगे तो 6x³ बन जाएगा। अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो आइए देखते हैं गुणा करने पर क्या आएगा, तो 6x में गुणा करेंगे -5/3 से, 3 × 2 = 6 यानी 5 × 2 = 10x हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम -10x होगा क्योंकि ये माइनस बना हुआ है। फिर काम है चिन्ह बदलना, ये प्लस ये माइनस होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये 3x² पहले लिख लेंगे और 10x और ये 10x, ये माइनस है ये प्लस है तो ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा। आगे हमारे पास है -5 तो हम -5 लिख लेंगे। फिर हम x² का अगर इसमें पहले में भाग देंगे तो x² कट जाएगा, 3 बचेगा तो यह 3 यहाँ लिख देंगे, 3 का गुणा करेंगे तो बनेगा 3x², फिर 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 ऊपर नीचे कट जाएगा, बचेगा -5। अब यहाँ आ जाएंगे तो हमें चिन्ह बदलेंगे तो ये भी कैंसिल से इसफल 0 आया, इसका मतलब इसका शून्य किए था सही बात कह रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, तो आइए हम इसका गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए हमने यहाँ ले लिया तो हमारे पास है 3x² + 6x है और +3 है, तो 3 × 9 आएगा, 9 का ऐसा खंड करना है 6 आ जाए तो 3 × 3 और 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 मिल जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 3x² मिलेगा
तीन तीन छः होगा तो यहाँ लिखेंगे तीन प्लस तीन, छः के स्थान पर आगे x है, x लिखेंगे फिर तीन लिखेंगे तो तीन एक्स स्क्वायर होगा। तीन का गुणा x में करेंगे तो तीन एक्स आएगा, फिर तीन का गुणा x में करेंगे तीन एक्स आएगा प्लस तीन होगा, जोड़ा बनाएंगे तो तीन एक्स कामन हो गया तो यहाँ बचा x प्लस तीन एक्स पूरा ले लिए हैं तो एक बच जाएगा, इन दोनों में तीन कामन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस वन, तो x प्लस वन दोनों में है तो x प्लस वन कामन हो जाएगा। आगे हमारा बचेगा तीन एक्स प्लस तीन, तीन एक्स प्लस तीन, इसमें से हम चाहें तो तीन कामन ले लें तो ये बनेगा x प्लस वन, अगला भी बन जाएगा x प्लस वन, और इसको जीरो करेंगे x प्लस वन बराबर जीरो होगा तो हमें मिल जाएगा x बराबर, ये प्लस वन है दूसरी तरफ जाएगा माइनस वन होगा, तो इसका भी माइनस वन इसका भी माइनस वन, तो हमारे कुल चार शून्यक हो गए जिसमें से दो शून्यक दिया है। अब हम लिखेंगे शून्यक तो हमारा बन जाएगा कैणी में है पाँच बटा तीन, दूसरा शून्यक माइनस कैणी में पाँच बटा तीन, और चूंकि ये दोनों बराबर हैं तो दोनों शून्यक माइनस एक और माइनस एक आ जाएंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा, अन्य दो शून्यक ही माइनस एक होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।